ओके, तो दिस वाज रिलेशन वाज गिवन, डीटी को इधर शिफ्ट कर दिया एंड बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, ए को पहले बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन वी आएगा और बिकॉज यहाँ पे डी वी है, हियर इट इज डी टी, तो टी विल कम, ए विल बी एज एज यूजुअल एंड प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. दिस इज द फंक्शन रिलेशन वी गेट. All right. Any difficulty in this? Anything you want to clarify here? Bully. No problem. Chalo, aage kya tha next? What was the next noted? Yes, sir. Okay. Any other question was there? Integration by substitution. इसका क्या आंसर है? Let minus x is equal to t. ठीक है, तो dt by dx कितना आएगा? Differentiate कर दो, x का differentiation one हो जाएगा. तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस हो गया, डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्स और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. नाउ विल राइट द रिलेशन, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, टी अज्यूम किया हुआ है, ई टू द पावर टी हो जाएगा और डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस डी टी, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इन टू माइनस डी टी, तो माइनस विल बी टेकन आउट, e raised to t dt, ठीक है, बस e to the power x के साथ मैच हो गया ये फॉर्मूला. e raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम, अभी t की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एक्स, तो दिस इज द आंसर, प्लस सी ऑल्सो. क्लियर टू एवरीवन? आगे थे ये? नो सर, नहीं आया था. अभी समझ नहीं आ गया, ये दिया हुआ था ना, ये होमवर्क में था कि नहीं, ये होता ही है, यस. तो जैसे ये पिछले वाले क्वेश्चन के सेम, यू वांट एक्सप्लेनेशन अगेन, आर इट्स इनफ, बोलिए, यू कैन आस्क योर. एक और बार देखो इसमें ये जो है ई टू द पावर एक्स, ये जो फार्मूले हैं, फाइव मेन फार्मूला यू शुड रिमेम्बर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू पावर x है, तो अगर हमने e की जगह t कर दिया और यहाँ भी dt कर दिया तो e टू द पावर t आएगा, प्लस c भी आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है, इट इज नॉट मैचिंग विद द फार्मूलाज विच वी नो. कौन से फार्मूले में पता है, लेट्स गो बैक टू द फार्मूलाज विच वी हैव लर्न, मेन फाइव फार्मूलाज वी शुड रिमेम्बर ऑलवेज, कौन से फार्मूले, ये वाले, ये तो x to the power n का था, 1 by x का formula लर्न होना चाहिए, sin x का, cos x का और ये e to the power x का सेम आता है, तो ये फाइव फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में भी ये इन्हीं फंक्शन का हमें लर्न होना चाहिए, तो ये वाला इसके साथ मैच हो रहा है, बट इट इज वी हैव लर्न इट विद द प्लस, वहां पे माइनस है, तो हमें फिर इसी फॉर्म में प्लस के फॉर्म में लाना है, e to the power x या e to the power t में लाना है, ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू ब्रिंग इट. नहीं, ये वाला है, तो हमने माइनस एक्स को टी अज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो वन आ गया माइनस एज इट इज, तो डी एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पुट कर देंगे और माइनस एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे ऊपर, तो ये मिल जाएगा हमें ई रेस टू पावर टी इंटू माइनस डी टी,
माइनस एल बीन टेकन आउट, तो ई टू दी पावर टी इंटू डी टी, तो ये मैच हो गया अपने ई टू दी पावर एक्स के फार्मूले के साथ. इट विल बी ई टू दी पावर टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो दिस इज द रिजल्ट कमिंग. Got it. So sometimes you may have to do substitution, but particularly those who are going for JEE Advanced and JEE NEET, may sometimes we may board and NEET may we may not have to do this substitution wala. Only that five formula direct. Ye bhi kal kiya tha. Did we do in your class? Just confirm. Kal kiya tha ye hum logon ne. Just confirm. This was done or first time we are doing integration by substitution? Yes, sir, it was done in class. And then, तो इसमें क्या assume किया था? हमने इसको t assume कर लिया था, differentiate कर लिया था दोनों तरफ, मतलब x के respect में. तो ये इसका 2x का 1 आ गया था. तो we are getting 2. यहाँ से हमें dx की value मिल गई, dt by 2. और whole को हमने t मान लिया. तो यहाँ भी t आ गया, dx को भी replace कर दिया dt by 2. कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया. व्हाट वी गॉट इज डायरेक्ट फार्मूला इस फॉर्म में सीखा हमने, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन टी डी टी, तो साइन का कॉस होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस पुट कर दिया, टी की वैल्यू वापस पुट कर दी प्लस सी. तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्ट. डायरेक्ट हमने क्या पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा, बट उसके क्लोज कुछ है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करके वी हैव टू डू इट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएक्स? डीएक्स का मीनिंग क्या होता है? वी एवरी टाइम वी आर यूजिंग डीएक्स, क्या मतलब होता है? स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इतना कम कि वो हमें जीरो ही दिखे, ऑलमोस्ट जीरो दिखे, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, लाइक 0.00000 लाइक दिस, दिस इससे भी स्मॉल. ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ये सिंबल भी गायब हो जाता है, ये भी चला जाता है ना, और डिफरेंशिएशन में भी, ऑलराइट, उसमें भी वी गेट द रेट ऑफ चेंज, वहां पे हम वहां भी डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है बोलो, व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स, इज व्हाट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस, इसको हम कैसे समझते हैं dy by dx को? Small change in y with respect to x. हाँ, very small change in y with and ratio of very small change in y and very small change in x. इसको कैसे पढ़ा जाता है? Rate of change of y with respect to x or differentiation of y with respect to x. Rate of change है एक particular physical quantity का दूसरे के respect में. If one physical quantity is changing, other is also changing. With what rate उनका जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद, ऐसे फंक्शन है. तो अगर हमने एक्स चेंज किया तो वाई किस रेट से चेंज होगा, तो दैट कम्स इन डिफरेंशिएशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज कम्स इन इंटीग्रेशन. इसमें एक ये क्वांटिटी है और एक डीएक्स, डीएक्स इज आल्सो वेरी, डीएक्स इज अदर फिजिकल क्वांटिटी, डीएक्स इज आल्सो अदर फिजिकल क्वांटिटी, डीएक्स भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है. साइन विल रिप्रेजेंट सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, डीएक्स विल रिप्रेजेंट सम अदर फिजिकल क्वांटिटी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? तो इसमें प्रोडक्ट आता है, उसमें रेशियो आता है चेंज का, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ बोथ द फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे रेशियो ऑफ इन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, वन कैन बी सिग्निफिकेंट, अदर विल बी वेरी 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 स्मॉल. और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब टोटल निकाल लिया हमें, एक पर्टिकुलर वैल्यू से पर्टिकुलर वन वैल्यू टू अदर वैल्यू. यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा देंगे x1 टू x2, x1 सपोज 0 से लेकर पाई तक, तो हमें एक डेफिनेट एरिया मिल जाएगा उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का. अगर इंटीग्रेशन का यहाँ पे लिमिट नहीं लगाई तो प्लस सी करके छोड़ देते. ऑल राइट, क्लियर? Any other doubt you want to clarify here? We have done it almost. Boliye. Sir,
जिसके पहले जो क्वेश्चन करा रहे थे तो वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? इससे पहले वो कौन सा e to the power x वाला? e to the power minus x वाला। हाँ ये वाला इधर। हाँ उस क्या करना है इसमें? You want explanation or you want to just note down? Sorry, I'm not getting you. Come again. Explanation. तो देखो, अगर हमारा ऐसे होता, just let me ask you. If it was like this, तो अपना आंसर क्या आता है? E to the power x plus c. It was e to the power से t dt. तब क्या आता है? E to the power t plus c आ जाता है. But minus लगा हुआ है. We cannot do direct. We cannot write direct. Minus लगा है तो हम ऐसे नहीं ले सकते. Okay. We cannot write e to the power minus x plus c because ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं सीखा, हमने प्लस वाला सीखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो बट माइनस है तो हमें इफ एनी हाउ वी कैन ब्रिंग इट इन टू द इन इन फॉर्म ऑफ e to the power ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करके ऐसा आ जाएगा तो मैच हो जाएगा फॉर्मूला के साथ, देन वी कैन डू इट. तो क्या किया हमने, इस माइनस एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ पे तो आपका हो गया. ओके okay, फिर क्या हो जाएगा e t यहाँ पे, लेकिन dx है तो अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बिकॉज अगर t का फंक्शन है तो यहाँ पर भी dt आना चाहिए. उसको लाने के लिए फिर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया dt by x के रिस्पेक्ट में, ये फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. तो यहाँ पर माइनस x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस 1 आ गया यहाँ पर, और dx को इधर शिफ्ट कर दिया. यहाँ से हमें क्या मिला, dt is equal to minus dx, और वी कैन राइट dx is equal to minus dt, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो dx की वैल्यू भी मिल गई हमें dt के टर्म में. इसमें अभी हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस x की जगह t पुट कर दिया और dx की वैल्यू जो हमें ये मिली है वो यहाँ पुट कर दी हमने, माइनस dt, तो माइनस बाहर आ गया. नाउ इट इज मैचिंग विद द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, e टू द पावर t है यहाँ पर और ये dt है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है तो e टू द पावर t का e टू द पावर t रहेगा, प्लस c भी आ जाएगा. तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, अभी t की वैल्यू पुट कर दो माइनस x, तो ये आ गया आपका आंसर. इसका इंटीग्रेशन माइनस e रेस टू पावर माइनस x प्लस c, गॉट इट? ओके, एनीथिंग एल्स वाज देयर, और कुछ था? दिस इज ओके. Shall we continue with the further topics? Actual में एक मैं just told on. This question I don't want to give you because थोड़ा everybody is not required to do. Only for those who are going for JEE, can they try this question? JEE wale, just others will, others they can skip this question. Kya hai question ye? Find the area bounded by the curve y is equal to e to the power minus x, the minus x, the x axis and y axis. Ye jo curve hai, x एंड y एक्सिस के बीच में कितना एरिया बाउंड करेगा ये? बोलो, दिस जस्ट यू हैव टू टेल मी हाउ टू डू, जे स्टूडेंट ओनली. इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया मिल जाएगा. y dx जो है हमें एरिया देता है, तो y भी है अपने पास, e टू द पावर माइनस x का भी हमने सीखा इंटीग्रेशन अभी जस्ट नाउ तो किया था हमने, e टू द पावर माइनस x dx है ना, कितना आया था इसका, ये आया था ना, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? रेखा एक्सिस के लिए इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी, ऐसे ग्राफ ऐसे जाता है, देखो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है ना. इवन इफ यू डोंट नो द ग्राफ, वी डोंट हैव टू वरी. x इज इक्वल टू जब 0 पुट कर दिया, देखो लिमिट, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ऐसा, मैंने x इज इक्वल टू 0 तो
वहां से स्टार्ट होगा y, y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होगा। तो हमें तो x की, हमें किसकी लिमिट पुट करनी है, x की, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा ना, तो 0 से लेकर y कहाँ तक जाएगा, ये कर्व कहाँ पे टच करेगा y एक्सिस को, इनफिनिटी पे, इनफिनिटी पे, बिकॉज ऐसा है मान अपन ई टू द पावर x, जब x इनफाइनाइट हो जाएगा तब y 0 हो जाएगा, y will be 0 when x is infinity, infinite पे जाके टच करता है वो, exponentially decreasing curve will touch to the x-axis infinity, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर infinite तक। तो like this questions are tackled of higher level, आपको लिमिट भी खुद ही निकालनी पड़ेगी इसमें, है ना। तो ये एक्चुअली में जस्ट I wanted to show you how to tackle this, तो वन आंसर आ जाएगा इसका, those who are JEE student can do, वन आंसर आएगा इसका। ठीक है, जिनको JEE करना है वो SC concept of physics, concept of physics by SC वर्मा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे अभी से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जितने चैप्टर हो गए, ठीक है, तो ये उसी में से क्वेश्चन है, तो देन यू कैन जस्ट थिंकिंग एबिलिटी विल डेवलप, आई विल हेल्प यू आउट लेटर ऑन, बट अभी आई एम गिविंग यू द द बुक डिस्क्राइबिंग द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा, सो दैट यू बाय इट JEE स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट। चलो आगे देखेंगे, ये सब जो है वी डोंट नीड, इनफैक्ट मैथ्स के स्टूडेंट के लिए है, प्रोडक्ट वाला भी वी कैन लीव इट, प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू। नाउ नाउ विल सी सम 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 ग्राफ्स, ठीक है, पैराबोला क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सपोज इफ आई आस्क यू ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशन y इज इक्वल टू 2x + 1, एक ये रिलेशन है, इसका हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ग्राफ बनाना, कैसा, व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल कम, कहाँ से ओरिजिन से पास होगा, तो कैसे करते हैं, हाउ डिड यू डू इन द अदर क्लास, लोअर क्लासेस में कैसे किया था, इसका किया है, हैव यू डन इट, बोलिए, x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 y कितना आएगा, 1, पे 0 पुट कर दो y 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 3, x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, -1, एट लीस्ट 3 पॉइंट्स मिल गए, तो वी कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, तो ऐसे टेबल बना ली, 3-4 पॉइंट्स जो है तुमने लेके x की वैल्यू लेके y की वैल्यू निकाल दी, टेबल वी आर नॉट गोइंग टू मेक, जस्ट आई एम गिविंग यू सम क्लू कि ऐसे टेबल बना लिए, हमें फिजिक्स में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वी बाय सीइंग द इक्वेशन वी विल ड्रॉ द टेंटेटिव ग्राफ, तो ऐसे ले लिए, 0 के लिए 1 आ गया, और 1 के लिए 3 आ गया, और -1 के लिए -1 आ गया, नहीं +1 की, ओके -1 पुट किया था ना, -1 के लिए -1 आ जाएगा ना, ठीक है, तो टेक 3-4 assume 2 or 3 point, you just take it और graph उसका draw करो, देखते हैं do I have, no, कैसा आएगा इसका graph देखते हैं, it was there somewhere, it is lost somewhere, कहाँ चला गया, okay we have to draw it, हाँ यहाँ पे आ गया, yes we'll draw, we'll just magnify it, देखो ये it will come like this, तो इसमें if you see carefully y की क्या power है, single power है, x की क्या है, power 1 है, दोनों variables x and y having the power 1, तो what kind of graph we are getting the straight line, है ना, ये 2-3 point ले लिए हमने, x is equal to 0 वाले पे y 1 आया, और x is equal to 1 पर y 3 आ गया, x इज इक्वल टू -1 पर y -1 आ गया, इन तीनों को ज्वाइन कर दो, इवन 2 पॉइंट्स आर इनफ, सो यू सी
यहाँ पर प्लस वन है ओके, तो दिस लाइन इज गोइंग अबव द ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन के ऊपर से कितना ऊपर से जा रहा है वन, इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू वन, तो वाई पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसको, दिस वाई पे कट वाई इज इक्वल टू वन पर इंटर वाई एक्सिस को वन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस. तो इफ वी हैव द इक्वेशंस फंक्शंस लाइक दिस रिलेशन लाइक दिस इन विच y की पावर 1 है एंड x की पावर 1 है, अदर कांस्टेंट कैन बी देयर, माइनस प्लस कैन आल्सो बी देयर, तो इट विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दैट सम पॉइंट्स, ओरिजिन के ऊपर से जा सकता है नीचे से जा सकता है, तो गॉट इट, तो दिस इज ओके, दिस पॉइंट इज ओके, बोलिए एनी डिफिकल्टी इन दिस? नो सर. तो इसको हम जनरलाइज करेंगे, टेबल वी आर नॉट गोइंग टू मेक नाउ, जस्ट वी आर सीइंग, वी आर गोइंग टू सी यहाँ पे अगर माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस हो गया तो ये लाइन नीचे, बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू माइनस होगी, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ओरिजिन से जाएगी, ठीक है, तो लेट अस सी द ऑल द कर्व्स टुगेदर नाउ, ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है टेबल बना के, लेट अस सी वेयर इट इज, हाँ देखो वेरियस इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं, इट विल बी सम कांस्टेंट, सम प्लस कांस्टेंट, एंड प्लस सी, प्लस सी को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है इसमें, तो इस लाइन के लिए तो एम इज ऑल्सो पॉजिटिव, सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगर लाइन ओरिजिन से जा रही है इंटरसेप्ट इज जीरो, सी इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो वाई इज जीरो, अगर लाइन ओरिजिन के नीचे से जा रही है देन इक्वेशन विल बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, एम इज द पॉजिटिव कांस्टेंट और ये सी वाला माइनस में हो गया, बिकॉज व्हेन एक्स इज जीरो वाई विल बी माइनस, ये सी कुछ माइनस में आ जाएगी वैल्यू, क्लियर, तो दिस थ्री इक्वेशन, दिस थ्री डिफरेंट इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग दिस लाइन, एक ओरिजिन के ऊपर से जा रही है उसमें प्लस सी है, ओरिजिन से जा रही है सी एस बिकम जीरो, ओरिजिन के नीचे से जा रही है सी एस बिकम माइनस, ठीक है, अगर लाइन ऐसे गई तो लेट मी ब्रिंग सम मोर लाइन हियर, देखो बाकी अदर लाइन्स का कैसे इक्वेशन होगा, देखो ये वाली लाइन का क्या है, इसमें माइनस हो जाएगा, ये जो एक्स का जो कोफिशियंट होगा इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये जो ओके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ओके एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी सॉरी ये यहाँ ये पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं बताया, जस्ट होल्ड ऑन, वो वील गो बैक टू दैट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस पॉइंट आई मिस्ड, तो यहाँ पर एम क्या है, एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, दैट्स द कोफिशियंट ऑफ एक्स when x is on the right hand side and y is on left hand side, y का coefficient 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ number होगा तो इधर नीचे shift कर देना, c is called intercept of the line with y axis को कहाँ cut कर रहे हैं, suppose if I give you equation 2y is equal to 4x minus 10, then find the slope and intercept and draw the graph also, कितना होगा slope बोलिए, स्लोप इज नथिंग बट टेन थीटा है ना, वो डीवाई बाई डी एक्स जो पीछे पड़ा है हमने, इट इज नथिंग बट दैट, बट यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वी डोंट हैव टू डू डिफरेंशिएशन, वी डोंट हैव टू नो द एंगल थीटा कितना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है, ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई एंड एक्स आर वेरिएबल्स, m and c are constant, m represent the slope, c represent the intercept, ye equation aapko diye, boliye slope kitna hoga, come on, how much is the slope, are you there, yes sir, log aaj kal bahut slow ho gaye response dene mein, nahi samajh mein aa raha hai, यहाँ पे टू था ना,
टू था ना, टू को हमने पहले इधर शिफ्ट कर दिया। इफ यू सी द इक्वेशन, y का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो टू को नीचे शिफ्ट कर दो इधर, टू से डिवाइड कर दो, तो वन हो जाएगा यहाँ पे टू, यहाँ पे फाइव। नाउ x का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप, और ये जो कॉन्स्टेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसका ग्राफ नीचे से आएगा, ओरिजिन के नीचे से, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे से आएगा ग्राफ, ऐसा आएगा। क्लियर? हाँ, नाउ यू वांटेड टू आस्क समथिंग, बोलिए। Any difficulty here in the equation of the straight line? Any difficulty? No, sir. तो अभी two cases, two graph we have seen. बाकी जो हम देख रहे थे उधर, वो I'll continue with that only. You don't have to draw these many lines and all. This much is enough. देखो, shall I go back to that same all lines? Note कर लो इसको. Done. Done, sir. ओके, ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखो, अगर ओरिजिन के ऊपर से लाइन जा रही तो ऐसी इक्वेशन होगी, ये कांस्टेंट पॉजिटिव होंगे दोनों, ओरिजिन से जा रही है तो सी विल बी जीरो, एम विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पर ओरिजिन के नीचे से जा रही तो इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। और अगर ऐसे है लाइन, ये एंगल है ना, ये मोर देन 90 होता है, ग्रेटर देन 90 होता है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है, 10 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। यहाँ पे अगर माइनस है एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट, तो लाइन एंगल इट विल मेक बिगर एंगल देन 90 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इंटरसेप्ट तो वही, देखो अभी ऊपर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो प्लस सी आ गया, ओरिजिन से जा रही है तो सी एस बिकम जीरो, तो ओनली माइनस एम एक्स, ओरिजिन के नीचे से जा रही है तो माइनस एम एक्स माइनस सी, नाउ इट इज इंटरसेक्टिंग बिलो द ओरिजिन, माइनस हो जाएगा, इसमें दोनों माइनस आ जाएंगे। तो लाइक दिस इक्वेशंस आर पॉसिबल। तो बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशंस इटसेल्फ यू शुड बी एबल टू नो लाइन कहाँ से जा रही होगी, ओरिजिन के ऊपर से या नीचे से या ओरिजिन से, एंड आल्सो एंगल विल बी लेस देन 90 और मोर देन 90। All right. Yes, sir. तो ये हो गया equation of straight line। इसमें थोड़ा और variation हो सकता है। देखो, जैसे suppose कोई line ऐसी है, it is intersecting a on the y axis और distance b on the, sorry, a on the x axis। इसके x axis के साथ इतना intercept है a, y axis के साथ b है, तो इसकी equation direct लिखी जा सकती है, x upon a plus y upon b is equal to 1, without thinking about the slope and without thinking about the intercept. Of course, intercept to isme dikhi rahe hain. Isko wapas change kar sakte hain. You can check it. Aisa kuch aa jayega, minus mx plus c, aisa kuch is form mein aa jayega ji. Kyunki angle more than 90 x axis ke sath, to slope minus, kyunki isko hum idhar bhejenge to minus ho jayega. But sometimes to save the time, if intercepts are known, equations can be written directly. Equation of the straight line can be written directly. Intercept form बोल सकते हैं इसको हम।
अगर कुछ ऐसे इधर दोनों सब जाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस पुट कर देंगे, बोथ द इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव विल बी माइनस, एज ए माइनस पुट कर देंगे इंटरसेप्ट। अच्छा समटाइम्स वी हैव टू ड्रॉ, वी हैव टू जस्ट इंडिकेट कि ऐसा कुछ लिखा है, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन इंडिकेटिंग डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। कैसे आएगा इसका, इसका एरो कैसे आएगा, तो नॉर्थ जो लास्ट में लिखा है उसको देखना है पहले, क्या नॉर्थ है, तो नॉर्थ से एंगल लेना है, किधर जाना, ईस्ट की तरफ, कितने डिग्री पर, 30 पर। स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, नॉर्थ से स्टार्ट किया, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो क्या लिखा है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज कमिंग, उससे प्रीवियस टर्म इज कमिंग ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ। आर यू देयर? यस सर। ओके, तो ईस्ट की तरफ 30 डिग्री पे एंगल ले जाएंगे ऐसा, यहाँ से 30 होगा। ठीक, ये इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। देखो इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करनी है ना, और इंडिकेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, लास्ट में क्या लिखा है, नॉर्थ, तो नॉर्थ से स्टार्ट करो, किधर जाना, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, किधर जाना, ईस्ट लिखा है तो ईस्ट की तरफ, कितने डिग्री एंगल, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल यहां से बनाते हुए एरो ड्रॉ कर दो। इफ ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फिर एक और सिचुएशन में पूछता हूँ, अगर चलो यहीं पे पूछता हूँ, इफ इट इज रिटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट, अगर ऐसे कहीं लिखा है ड्यू नॉर्थ ईस्ट, तो एरो किधर आएगा, दिस वर्ड इज यूज्ड समटाइम्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो ड्यू नॉर्थ ईस्ट मीन 45 डिग्री एंगल, इधर से भी ले लो 45 आएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं 45 का भी लिख दूं इसी में, If it is 45 degree angle, it is called due northeast, NE. Northeast को शॉर्ट में NE लिखा। 45 degree angle के लिए due northeast word use होता है। All right? Yes sir. और एक और example लेते हैं, जैसे ये, draw the line 60 degree north of the west. तो west किधर है यहाँ पे? यानी अगर हमने अपने regular sign convention लिया east west, तो west किधर है? वेस्ट से किधर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, कितने डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया, रफ आइडिया यू शुड हैव, नहीं तो मिक्सअप होता है, तो जस्ट यू में लैंड अप समवेयर रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज डन। No problem? No, sir. Okay. तो इसके बाद देखो एक और सिचुएशन, ये टेंथ में आपने पढ़ा भी है शायद, कभी कभी दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट दिए, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, तो क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इन टू एम, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लोप, एक्स माइनस एक्स वन, शायद तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m, ऐसा कुछ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो नो प्रॉब्लम। तो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, तो उससे अगर हमें इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, वेयर m विल बी व्हाट, m इज व्हाट, इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन अदर वर्ड्स इट इज स्लोप, y2 minus y1 क्या होगा, ये हो जाएगा perpendicular, और x2 minus x1 base हो जाएगा, y2 minus y1 opposite हो जाएगा,
ये एडजेसेंट एम विल रिप्रेजेंट द स्लोप टेन थीटा. तो इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स आर नोन वी कैन राइट द इक्वेशन. डिड यू न्यू दिस? डिड यू नो दिस इन टेंथ स्टैंडर्ड? इन टेंथ स्टैंडर्ड यस. ओके. तो समटाइम्स इन फिजिक्स वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन. तो यू बेटर यू रिमेंबर और यू कैन रिवाइज लेटर ऑन. Or whatever you know, other formula means different way of writing, you can follow that. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो वे एक क्वेश्चन तो आती है आपको y इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ से जाओ m स्लोप निकाल लो कितना एंगल आ रहा है tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ पुट कर दो c देख लो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसको एक्सटेंड कर दो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो. So you can, you have more than one method to get your answer always. Physics mein, there are every questions ke liye there is more than one method. All right, aage dekhe. Yes, sir. So, kabhi kabhi ye shortest distance nikalna padta hai. To ya to trigonometry agar strong hai, usse nikal lo component tan theta, sin theta, cos theta se kam usme. राइट एंगल ट्रायंगल बना के मोस्टली वी डू इट फ्रॉम दैट ओनली बट सम बुक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना. सपोज ओके जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस. सभी टर्म्स लेफ्ट में ले आओ है ना और उसको पॉजिटिव ही रखते हैं बाद में वो माइनस होंगे तो माइनस भी हो सकते हैं. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल द टर्म्स आर शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट. ठीक है. The shortest distance of the point from the line, कोई point है यहाँ पर और ये line है इससे ये short perpendicular draw कर दो तो shortest distance आ जाती है. तो shortest distance को अगर हमने symbol L ले लिया कैसे निकालेंगे? If coordinates of points P R x1 y1 and equation of line is this, the shortest distance is given by L is equal to अभी x और y को x1 y1 से replace कर दो और c as it is इसको मॉड में लिखो बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डिस्टेंस तो माइनस नहीं लिखेंगे इसको. डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का जो इसका स्क्वायर कर दो वाई का कोएफिशिएंट आप उसको स्क्वायर करके लिख दो. तो दिस सम बुक्स आर राइटिंग लाइक दिस बट वी विल डिपेंड अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़ा कभी तो. But this should be known to you. Sometimes it may help you. This is about origin से निकालना है. Shortest distance of this line from the origin. तो अपने coordinates क्या हो जाएंगे? Zero zero. तो ये formula लगा दिया हमने. ये दोनों term तो zero हो गए. C कितना है? Five. नीचे under root of a square plus b square. That is two square plus three square. Root 13. तो ये answer आ जाएगा. ठीक है. Was it there in 10th standard? Math में था क्या? Sir slope. Sir ये ऐसे क्वेश्चन थे. Shorter distance था क्या उसमें? Under root x to minus x one का स्क्वायर ऐसे वाले क्वेश्चन थे. Coordinate जगह थे वो. Yes sir. Okay. So this you can just note down. Sometimes you may need it. Okay, somebody has got unstable connection network. किसी का break हो रहा क्या बार बार? You're losing the connection, losing the network. बारिश आ रही है तो break हो रहा. अच्छा. Okay. कुछ miss तो नहीं हुआ? कुछ point? No sir. Okay, आगे देखेंगे क्या? एक second sir, ये लिख रहा. All right.
डन सर ओके तो व्हाट इज इट देयर हां ये अभी फर्दर कर्व्स देखते हैं अभी स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे थे नाउ सपोज इफ आई गिव यू कोई कोई रिलेशन ऐसे है y is equal to 1 by x 1 की जगह कोई और भी कांस्टेंट हो सकता है और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल बी x into y is equal to constant और वी कैन इवन राइट लाइक दिस आल्सो रूट ऑफ x into y is equal to constant is स्क्वायर कर देंगे तो ये कांस्टेंट कुछ और कांस्टेंट बन जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं तो दिस दिस एंड दिस ऑल थ्री आर सेम तो व्हाट इज दिस कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन एंड मोस्ट कॉमनली नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन फिजिक्स इस तरह के जो रिलेशन होते हैं फिजिक्स में कई बार आते हैं और उसकी हमें कभी कभी ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ता है डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ विल कम यस सर ओके x = 0 लिया तो क्या आएगा y इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट पे टच करेगा इसका मतलब इट इज नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट टू द y एक्सिस और अगर हमने ओके इसको ऐसे लिख लिया x = 1 / y तो y को अगर हमने 0 लिया तो x इनफाइनाइट आ जाएगा तो मतलब xy एक्सिस को कट नहीं करेगा इट विल बी इट इज नॉट गोइंग टू द स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन आएगी which is going to intersect at infinity. So, aisa graph aata hai. Can you see? Yes, is tarah se curve aayega aur infinite pe jaake wo intersect karega dono coordinate, dono axis ko. Aise. Only that. This is called rectangular hyperbola. Only this negative bhi aa sakta hai idhar. But we always are interested in the first quadrant, DA wala. This we don't draw it. Agar tumne x ki value minus nahi, to y bhi minus aa jayega. It will come in the third quadrant. But this is most commonly used in physics. And very frequently used in physics. Have you done before this? Ye graph kabhi aap logo ke samne aaya hai? Nahi. First time you are listening about the name, rectangular hyperbola. इसीलिए हमें यही पे करना पड़ेगा पहले ही करना पड़ेगा देखो फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज का पोटेंशियल होता है कोई चार्ज पार्टिकल है ना उसकी पोटेंशियल निकालने की इक्वेशन ये होती है चल जस्ट लेट मी ब्रिंग इट सर दिया चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल निकालने की इक्वेशन ये रहती है जिसमें के कांस्टेंट है चार्ज भी कांस्टेंट है पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कैसा हो गया ये रिलेशन वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो इसके साथ मैच हो रहा है तो अगर मैं बोलूँ वी एंड आर का ग्राफ ड्रा करो वी बढ़ आर बढ़ने से वी कम होता है ना इफ आर गोज अप वी कम्स डाउन डिस्टेंस डबल कर दो पोटेंशियल आधा हो जाएगा इनवर्स रिलेशन है ना तो ऐसा ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक दिस कैन यू सी आर यू गेटिंग तो ये किसकी इक्विवेलेंट है वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो वाई को हमने कहाँ पे वी को क्या वी को वाई एक्सिस पे दिखाया और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे दिखाया देखो तो ये इस तरह का ग्राफ है पोटेंशियल जो है चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा जब हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे देन वी विल बी जीरो पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल गोज अप टू इनफिनिटी इट इज डिक्रीजिंग बट इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा तो ये हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में ये रिलेशन विल कम इन ट्वेल्थ या फिर तुम ऐसा ड्रा कर सकते हो पावर का पावर इज बैकडन अपॉन टाइम है ना तो पावर एंड टाइम का पी एंड टी का रिलेशन ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आएगा टाइम अगर तुमने टाइम कम लिया टाइम डिक्रीज किया तो पावर ज्यादा होगी टाइम ज्यादा ले रहे किसी काम को करने में तो पावर लेस पावर इज डेवलप्ड इन द मशीन कोई काम करने में ज्यादा टाइम ले रही तो लेस पावर लेस टाइम ले रही मोर पावर ठीक है अच्छा ऐसा कोई फंक्शन हुआ तो अच्छा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है याद है नाइन्थ का फॉर्मूला
तो इसका भी ऐसे ही ग्राफ आएगा, बट उसका शार्प डिक्रीज होगा और फास्ट डिक्रीज होगा, है ना। अगर ये 1 बाई आर का है तो 1 बाई आर स्क्वायर का ऐसा आएगा और शार्प डिक्रीज होगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर उसका भी सेम आएगा बट और क्विक डिक्रीज एफ एंड आर का। क्यूब है तो और, अगर नीचे क्यूब हो गया तो और क्विक और शार्पली डिक्रीजिंग आर की वैल्यू। अगर डबल की इसमें हमने अगर आर की वैल्यू डबल की तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। 1 बाय फोर्स में अगर हमने आर की वैल्यू डबल की तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, शार्प डिक्रीज होगा फोर्स। ठीक है, क्लियर? कैन यू ड्रॉ दिस, विल यू रिमेंबर ऑलवेज दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज मेनी फ्रीक्वेंटली यूज इन द फिजिक्स, बहुत सारे चैप्टर में आता है ये। बोलिए, कंफर्टेबल? तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इसको अगर टेबल से भी बनाएंगे आप, देखो ऐसे टेबल बना लो, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा वो तो फिक्स हो जाएगा। जब हमने 1 ले लिया, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो वाई भी 1 आएगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा 1 1, ऐसा कुछ एक पॉइंट तो हमें ये मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 ले लो तो वाई हाफ आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आएगा ये ऐसे। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 ले लें, एक्स की वैल्यू हाफ ले लें तो y 2 हो जाएगा, x की वैल्यू हाफ नहीं y, ऐसे में पॉइंट मिलेंगे, तो इस तरह से कर्व आ जाएगा और वो इनफाइनाइट पे जाके x एक्सिस के साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तभी y 0 होगा, इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन होगा उसके साथ, ऐसे y ऐसे इधर भी इनफाइनाइट पे ज्वाइन होगा। तो ऐसे क्लोज पॉइंट लेंगे तो ऐसे कर्व लाइन होगा, ऐसे नहीं आएगा, इट विल नॉट कम लाइक दिस। कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे ड्रॉ कर देते। इसकी इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर भी हमने पढ़ी थी, क्या थी वो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, बट ये कर्व लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। गॉट इट? सर अगर सर y इज इक्वल टू 1/x² होगा तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट का साइड नहीं आएगा ना, x की वैल्यू नेगेटिव के साथ y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ चेक करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। y यू आर टेलिंग y इज इक्वल टू x² है ना, तो उसमें फिर ये इसी क्वाड्रेंट में ही रखेंगे उसको, है ना। x की वैल्यू अगर हम माइनस भी रख रहे हैं एक्चुअल में, नहीं इसको ऐसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ओके कहाँ पे लगे, ऐसे ले लो, देन टेबल बना के थोड़ी क्लू ले लो, y इज इक्वल टू 1/x² है ना, तो x इज इक्वल टू अगर 1 लिया तो y 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 1 लिया तो y कितना आ रहा है, ये सर 1 आ रहा है, और x इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो y कितना आ रहा है 1/4, x इज इक्वल टू माइनस 2 लिया तो y इज इक्वल टू 1/4, तो ये इस तरफ ऐसे आएगा और इधर नेगेटिव वैल्यू के साथ भी y पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? पॉजिटिव x के साथ भी y पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव x के साथ भी y पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, गॉट इट? सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा वो, थर्ड में नहीं जाएगा, गॉट इट? और ये देखो अभी नेक्स्ट सिचुएशन हम ले रहे हैं, ये इफ ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू x² ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो पहले कि 0 0 ले लिया तो x 0 है तो y भी 0, ये पॉइंट मिल गया। अगर हमने x इक्वल टू 1 लिया तो y 1, ये वाला पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू 2 लिया तो y 4, 2 के लिए y 4 आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो नेगेटिव वैल्यू ली माइनस 1 इधर की तो y फिर से पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर की तरफ ही आ रहा है, माइनस 2 ली तो y फिर से y माइनस 2 पे, देखो यहाँ पे आ गया, ज्वाइन कर दो तो ऐसे आएगा कर्व, मतलब जिसकी सिंगल पावर है उसकी तरफ बेंड हो रहा है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द वेरिएबल हैविंग सिंगल पावर। इसमें देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो किधर बेंड हो रहा है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिंगल पावर वाला एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं ओपनिंग अलॉन्ग द वाई एक्सिस, बट यस मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसकी सिंगल पावर है उसकी तरफ बेंड होता चला जाएगा वैसे दोनों तरफ से, क्योंकि वो वैल्यू फास्ट डिक्रीज हो रही है ना, फास्ट इंक्रीज हो रही है, एक्स हमने तुमने डबल किया तो वाई 4 टाइम्स हो गया, इसलिए सिंगल पावर की तरफ बेंड होता चला जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं पैराबोला, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक रिलेशन, नाम क्या है पैराबोला, गॉट इट। अगर ये माइनस कर दो तो नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसा। इसका एक एग्जांपल ले, कहां पे हमें काम आ रहा है अपना इसी चैप्टर का एग्जांपल लेना इसका। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वन आर टू आर थ्री कुछ भी, यहाँ पे कांस्टेंट हम वन ले रहे हैं बट इट विल बी सम अदर कांस्टेंट, ए लिख देते हैं उसको। जनरल इक्वेशन में ए लिखा जाता है, सम कांस्टेंट, ए कैन बी वन आर एनी अदर वैल्यू। तो देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई हाफ ए टी स्क्वायर, कोई ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल जीरो स्पीड से शुरू कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है। ये पढ़ी थी इक्वेशन हमने, ऐसे भी करो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर वो u जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। तो इसमें देखो y एक्सिस पे x को ले लेंगे और x एक्सिस पर टाइम, ये तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। x एक्सिस पे टाइम ले लेंगे तो ये कैसा हो गया, ऐसा आ जाएगा y इज इक्वल टू c इनटू x स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट में चले गए। तो ऐसा रिलेशन है, y एक्सिस की तरफ बेंड होता जाएगा। इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं बट फिजिक्स में ओनली वी ड्रॉ इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स ऑल, अदर क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ नहीं करते हम उसको। क्लियर, एम आई टू फास्ट? अगर क्या मैं बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू कैन स्टॉप मी एंड जस्ट आस्क मी टू एक्सप्लेन अगेन, बोलिए। बोले किसमें क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये इसका फिर से बताना है क्या, हो गया सबका? रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैज एनी डाउट, जस्ट रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। यस सर, बहुत फेंट आवाज आ रही, क्या ओके और नॉट ओके? अगेन एक्सप्लेनेशन, नॉट ओके। तो ये ग्राफ ये समझ में आ गया, हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के साथ ऐसा करवाएगा वो, ठीक है, दोनों x की नेगेटिव वैल्यू के साथ भी y पॉजिटिव आ रहा, ऊपर y पॉजिटिव होता है, तो ऐसे हमने मार्क कर लिए। अभी हमें सिचुएशन डिफरेंट चैप्टर्स में ऐसे रिलेशन आने वाले हैं, एक वेरिएबल का सिंगल पावर है दूसरे का डबल पावर है। तो जैसे ये पहला फर्स्ट, अभी जो ऑनगोइंग चैप्टर है इक्वेशन मोशन इन द स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन, उसमें जब हम एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन आती, इसका ग्राफ जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसको सी लिख दिया, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, सपोज एक्सेलरेशन 10 है तो यहाँ पे 10/2 5 आ जाएगा ये, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो ये कांस्टेंट तो छोड़ देते हैं हम, कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंस कहाँ पे आएगा, या तो ये थोड़ा और पास आ जाएगा या थोड़ा दूर और चला जाएगा, दैट कांस्टेंट विल डू दैट मच ओनली, बट शेप ऑफ द ग्राफ विल नॉट चेंज, है ना, ठीक है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर की सिचुएशन आएगी, y एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया और x पे हमने टाइम ले लिया, ये क्वेश्चन है ना। तो ये कैसा मैच हो गया, y इज इक्वल टू y डायरेक्टली इसके साथ मैच हो गया, ये पैराबोला की इक्वेशन है अभी हमने ऊपर सीखी, तो जो सिंगल पावर है उसकी तरफ बेंड होता है, s वाली s की सिंगल पावर है, अगर ऐसा होता तो t स्क्वायर इज इक्वल टू c, ठीक है आगे देखते हैं बाकी वेरिएशन आगे देख रहे हैं, क्लियर। यस सर, तो और इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, देखो फिर मैंने एक साथ दिखा दिया, देखो यहाँ पर आ जाओ, जैसा जनरल इक्वेशन ऐसी होती है मैथ्स में, तुम लोग इसकी बड़ी इक्वेशन भी पढ़ोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग मोस्टली वी आर कमिंग अक्रॉस दिस, बी इज इक्वल टू जीरो सी इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म भी जीरो ये टर्म भी जीरो, तो यही बचा, ऐसी इक्वेशन बची, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, अगर हमने इसको माइनस कर दिया आगे माइनस लगा दिया तो पलट जाएगा ग्राफ, y की वैल्यू नेगेटिव आएगी किसी भी x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के साथ, यहाँ पे देखो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो आगे माइनस परमानेंटली लगा हुआ है तो वो माइनस कर देगा उसको y को, तो नीचे y माइनस होता है, ठीक है। तो सिंगल पावर किसकी है, y की, तो इट इज ओपनिंग अबाउट द y एक्सिस और बेंडिंग अबाउट द y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ बेंड होता चला जा रहा है इनक्लाइन, व्हाट अबाउट इसका, अगर ऐसे कुछ हुआ तो x की तरफ बेंड होगा तो उसकी इक्वेशन ये आएगी, यस लेट मी ब्रिंग इट फ्रॉम हियर, देखो कैन यू सी, अगर इक्वेशन ऐसी हुई तो
एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, तो एक्स की सिंगल पावर है, वाई की पावर टू है, तो एक्स एक्सिस की तरफ बेंडिंग शुरू हो जाएगी इसकी, ऐसी सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, जो एक्सिस जो सिंगल पावर होता है उसके सिमेट्रिक आती है वो। आर ओपनिंग अबाउट द एक्सिस, और माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ऐसा आ जाएगा, अभी ये कुछ और डायग्राम दिख रहा है आपको, है ना, एक साथ सारे दिखा दिया मैंने तो इसलिए, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया तो यू कैन जस्ट, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड इन डिफरेंट चैप्टर्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी को तुम वाई एक्सिस पे ले लो कांस्टेंट, और वी को एक्स एक्सिस पे ले लो, ये किसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ, यहाँ पे अगर हमने काइनेटिक एनर्जी ली, यहाँ पे वेलोसिटी ली, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट चैप्टर्स में एक्स एंड वाई विल बी रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बट अगर एक की एक क्वांटिटी की पावर वन है और दूसरे की टू है तो इट हैज टू बी पैराबोलिक रिलेशन, अब डिपेंड करता है कौन सी एक्सिस पे क्या दिखा रहे, अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ विल कम, ऑलराइट, यस सर, तो ये आपका पैराबोला भी हो गया, इसमें क्वेश्चंस जो है वी विल बी कमिंग अक्रॉस वन बाय वन, तो यू कैन रिकॉल दिस, इसको वापस रिटेन करके रखना, एंड अगर इसमें प्लस वन लगा दिया कुछ हमने, है ना, तो जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो वाई वन है, पॉजिटिव वन है, तो यहाँ से टर्न हो जाएगा, यहाँ से टर्न हो जाएगा, अगर इस तरह का वी कैन जस्ट कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, जब जीरो है तो वाई कितने आ रहा है वन, तो वहां से टर्निंग हो जाएगी उसकी, बाकी तो यही है, वाई की सिंगल पावर है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ऐसा तो है, बट यहाँ प्लस वन होने से वो वन से टर्न हो जाएगा, ओरिजिन से टर्न नहीं होगा, वो वन से ही टर्न हो जाएगा, बाकी सभी में हमने देखा था टर्निंग कहाँ से थी, ओरिजिन से थी, वन एक्स इज जीरो वाई इज जीरो, बट यहाँ पे वन एक्स इज जीरो वाई इज वन, तो वाई इज इक्वल वन से टर्न हो जाएगा, ऑलराइट, तो आई थिंक दिस इज एनफ, और आगे सर्कल एंड एलिप्स का कल करेंगे हम लोग, देन दिस विल बी ओवर, फिर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले देख लेंगे, बोलिए, एंड कर दूं यहां पर, सर आई हैव अ क्वेश्चन, इट इज प्रीटी मच ऑफ टॉपिक बट आई जस्ट हैड टू आस्क यू दिस बिकॉज़ आई जस्ट हैड दिस क्वेश्चन, लेट मी पुट रिकॉर्डिंग